आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की हैं, जहां शाइना सरकार नाम की एक मॉडल को गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसके चलते घायल अवस्था में उसका बॉयफ्रेंड फॉर्च्यूनर गाड़ी में मॉडल को अस्पताल के गेट पर छोड़कर भाग गया। 12 घंटे तक अस्पताल में महिला मॉडल की सर्जरी हुई, इसके बाद भी मॉडल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हैरत की बात तो तब सामने आई जब गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस सीमा विवाद में उलझ रही है। अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शाइना डॉक्टरों को अपना और दोस्त का नाम बताकर बेसुध हो गई, लेकिन बेहोश होने से पहले मॉडल ने डॉक्टर को अपना नाम और एड्रेस बताने के साथ ही बॉयफ्रेंड का नाम धीरज बताया था। फिलहाल युवती के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। मामले में अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शाइना गुरुग्राम के सेक्टर 43 में रहती है। वो अपने बॉयफ्रेंड धीरज के पास गई थी, जो गुरुग्राम बॉर्डर से लगे दिल्ली के काप सहेड़ा में रहता है, जिससे वो मिलने गई थी। युवक जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में लेकर उसे अस्पताल पहुंचा था, वो शाइना की ही बताई जा रही है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि मॉडल को गोली कैसे लगी। दिन में ड्यूटी पे था, मेरा घर पे जाने का टाइम हो रहा था। 9 o'clock के आसपास एक अननोन बंदा आया, उसने आके हमारे स्टाफ को कहा कि एक मरीज को गोली लगी हुई है और पेशेंट गाड़ी में। हमारा स्टाफ गया, पेशेंट को अंदर लेके आया। उस बंदे ने स्टाफ को बोला कि दूसरे और पेशेंट्स हैं जिनको गोली लगी हुई है, वो मैं उनको और लेके आता हूँ। उसके बाद हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लगभग 10 से 12 घंटे सर्जरी चली, जिसके अंदर कि उसको 5 लीटर के अराउंड खून लॉस हुआ, जिसमें हमने उसे 8 थैली लाल खून की, 8 थैली सफ़ेद खून की, ये सब लगाया। पेशेंट की एक नस फटी हुई थी, 8-10 जगह से उसकी आंत फटी हुई थी। सारी सर्जरी करने के बाद फिलहाल पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन अभी भी स्टेबल नहीं है। पेशेंट को गोली नाभि के लेफ्ट साइड पे लगी थी, पेशेंट पर एक गोली लगी थी। ऐसे मैंने पेशेंट का पहला स्टेटमेंट लिया सर्जरी करने से पहले, जब पेशेंट को बेहोशी आने वाली थी, तो उस टाइम पे पेशेंट ने नाम बताया किसी धीरज का, जो कि वो अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। उसके बाद पेशेंट बेहोश हो गई। अब पुलिस घायल मॉडल के होश में आने का इंतजार करने के साथ ही उसे अस्पताल लाने वाले युवक की भी तलाश शुरू कर दी है। अस्पताल लाने वाले युवक ने डॉक्टर को ये भी कहा था कि वो अन्य लोगों को अस्पताल लाने के लिए जा रहा है जिन्हें गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए इस युवक की फुटेज कब्जे में ले ली है, और इसके साथ ही पुलिस के सामने कई सवाल आ गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि युवक ने गाड़ी को अस्पताल से दूर खड़ा किया ताकि सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो। वहीं ये भी सवाल है कि आखिर मॉडल को गोली किसने मारी और किस कारण से मारी। इन सभी सवालों के जवाब पुलिस को मॉडल के होश में आने के बाद ही मिल पाएंगे। सत्य खबर के लिए गुरुग्राम से अनुज पंचाल की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।